टन टन। तो अब हम साफ करेंगे साफ करेंगे साफ करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही। थोड़ी सी मुझे छुट्टियाँ बीच में ले रही थी बिकॉज थोड़ी छुट्टियाँ लेना बनता है, पूरा एक महीना व्लॉग बनाया भाई और उसके अलावा ईद का भी व्लॉग बनाया, सो इसीलिए मैंने थोड़ी सी छुट्टियाँ ले ली थी। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग और होपफुली कि मैं रोज़ डेली व्लॉगिंग करूँ या तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, बिकॉज मेरा यूट्यूब जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहा है, लेकिन मगर मैं व्लॉग नहीं अपलोड करती हूँ तो वो बिल्कुल डाउन चलेगा। ऐसा हमें नहीं करना इस बार। सो बस अब जल्दी से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सब इतना प्यार देते हैं कि व्लॉग्स कब आ रहे हैं, वो व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं इंस्टा वगैरह पे, मैं देखती हूँ। सो अब आ रहे हैं आप लोग व्लॉग्स। तो बस अभी जो है ना हम लोग सुबह उठे थे, अभी टाइम मैं बताती हूँ आपको टाइम क्या हो रहा है। अभी टाइम सुबह का नहीं हो रहा, अभी हो रहा है अभी 4:15 हो रहे हैं, ठीक है ना, 3:40 हो रहे हैं। और नाश्ता वगैरह सबने कर लिया है, खाना भी दोपहर का खा लिया, बट मैंने खाना नहीं खाया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा भूख लग रही है क्योंकि मैंने नाश्ता भी सही नहीं किया था कि सुबह सुबह उठती हूँ मुझे नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता, बट मम्मा कहती हैं तो कर लेते हैं। तो मैं सोचूँ मैगी बनाते हैं, तो मैगी काफ़ी टाइम बाद खा लूँ तो मैं सोचा कि आज मैं मैगी बनाती हूँ। और इसी के साथ साथ मुझे अपना मेकअप का जो वो है ना वो साफ़ करना है, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरा आई शेडो पहले टूट गया उसकी वजह से पूरा ख़राब हो चुका है। तो ये है कुछ आपकी बहन का खजाना, तो आप जल्दी से एक मैगी बनाइए, एक मैगी माशाल्लाह माशाल्लाह। जो ट्रेंड चल रहा है ना वो मेरे दिमाग में ऐसा, मतलब मेरे मुंह में ऐसा बैठ गया ना कि बस मैं फारिग होंगी तो भाई यही करती रहूँगी। और यस, और आपकी बहन के मुंह पे दाने हो चुके हैं। पूरे रमज़ान सही स्किन थी, लेकिन जब जैसे ईद चांद रात हुई तो ये बिन बिलाए मेहमान भी आ चुके थे और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन खैर इनके पीछे हम ब्लॉग तो नहीं स्किप करेंगे। सो यस, दुआ कीजिएगा कि आपकी बहन का फेस अच्छा हो जाए या तो नज़र लग गई होगी। सो जल्दी से हम मैगी बनाते हैं, मैगी खाते हैं, अंदर हमने सारे काम करते हैं। जब तक हमारी मैगी बन रही है जब तक हम वहाँ पे कपड़े जो रखे हैं ना वो कर लेते हैं, वो रख देते हैं इससे पहले कि हम हम जल्दी से अपनी मैगी लेते हैं, मैगी बनाते हैं, मैगी खाते हैं एंड देन मैगी मैगी को ज़्यादा ही मैं कर रही हूँ मैगी, इसको रख देते हैं फ्रीज से पहले कि भिगो जाए बिकॉज मैगी बन चुकी थी और अदा ने थोड़ी आशा ने थोड़ी गिरा भी दी थी तो उसको भी साफ करना पड़ेगा। मेरे काम खत्म होने की जगह ना बढ़ते रहते जी, ठीक है। तो मैंने मैगी बन करके अभी रखती थी ताकि मम्मा को भी मैं पागलों में तेरा काम कर रही हो जिस बार तुम, तभी तो हमारे काम बढ़ते हैं। हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, जल्दी से हम जाते हैं मैगी अपने बॉल में डालते हैं और खाते हैं बिकॉज मुझे भूख लगती नहीं है। अच्छा मैं आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं इतनी सूपी खाती हूँ, यम यम यम, इसको जल्दी से इसके अंदर रखते हैं, इसको निकाल लेते हैं। वैसे कच्ची ना हो मैंने तो ज़्यादा ही जल्दी इसको बंद कर दिया था। गुड, जल्दी से इसको साफ कर लेते हैं, साफ साफ हो जाओ, ये गर्म है, हो गया। जल्दी से खाते हैं, अजान भी हो गई तो पहले नमाज पढ़ लेंगे उसके बाद हम अपना जो है ना खाना बस सही करेंगे। ये गिरे नहीं मेरे हाथ से, फाइनली जल्दी से। मैगी तो मैंने खा ली लेकिन इसके साथ साथ नहाना है, बोल रहे कि यार मुझे काम कर दो, मतलब मुझे दूसरे भी काम थे बट उसके भी काम करना ज़रूरी है बिकॉज बड़ी बहन होने का फर्क, बड़ी बहन होने का यही होता है कि बड़ी बहन उनके काम करे, तो बस ये वाला काम इसका करेंगे उसके बाद हम अपना दूसरा काम करेंगे। मुझे कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा ही लाल मिर्ची डाल दी थी, बट गुड क्योंकि आई लव स्पाइसी फूड्स।
से जल्दी से अभी जाते हैं और धान का काम करते हैं एंड देन नमाज़ पढ़ते हैं एंड देन जो हमारा काम करना है मेन काम वो हम फिर बाद में थोड़ा सा डिले करते हैं, नमाज के बाद करेंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से मैं फिर काम करती हूँ एंड देन मिलते हैं। फाइनली आपकी बहन ने सारा काम कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं एंड दैट्स इट। हाथ दुख गया मेरे, बेवलहान ले जाओ। और हमारा भी व्लॉग भी बन रहा है साथ साथ, सो लेट्स गो। अब दूसरा काम करते हैं, सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं एंड देन नमाज का काम करेंगे। कितनी बार मैं एक ही बार बोल चुकी हूँ हैं बनाना शेक, लेकिन मुझे बनाना शेक पसंद नहीं, लेकिन मम्मा जो है ना से पहले मार है फिलिपिन लेना चाहिए। सो लेट्स गो। तो नमाज वगैरह हो चुकी है, अब रात हो चुकी है, तो रात का खाना खाते हैं। और रात के खाने में मैंने बनाया है चिकन जिंजर। यस एवरीवन, तो अभी हम फाइनली करने लगे हैं अपना जो है ना खाना वो सेट, अपना मेकअप बॉक्स कह लें वो सेट करने लगे फाइनली काफ़ी सालों बाद। जब भी मेकअप करते थे ना तो बहुत ही हाथ सारे ख़राब हो जाते थे, मेकअप भी ख़राब हो जाता था, हाथ लग जाता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको अब जल्दी से जल्दी सेट कर लूँ। सो लेट्स गो, मैंने फैन ऑन कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसकी लुकिंग दिखा देती हूँ आपको। रेडी टन टन देख सकते हैं कितना गंदा हुआ है, ये सारे टिश्यूज अंदर पड़े हुए हैं क्योंकि ये सारे पता है हम क्या करते थे, टिश्यू लेते थे और जब हम मेकअप कर रहे होते थे तो टिश्यू लेते थे, उसको साफ़ कर करके लगाते थे ताकि हमारे हाथों की हाथों पे लग जाएगा फिर कपड़े ख़राब होंगे सभी, इसलिए तो बस इसमें ही रख दिया करते थे जल्दी जल्दी में। तो इस सबको हमें साफ़ करने, बिकॉज इट्स सो डर्टी, ओह माय गॉड। सारे ब्रशेस जो है ना ये भी देखें कितने मेहंदी लगी है, जो गंदा लगे सब कुछ गंदा लग रहा है मुझे। खैर तो मैं सबको साफ़ करती हूँ, इन ब्यूटी ब्लेंडर्स को और सारी इन सारी चीज़ों को मुझे धोना भी है और बाकी सारी चीज़ों को साफ़ भी करना है क्योंकि उसे गंदा हो चुका है आप देख सकते हैं। अभी लग चुका है मेरे कपड़े अब ख़राब होने लगे, देखिए हम निकालेंगे निकालिए हमने, अब इसको इसके अंदर डालेंगे हम सारे ब्रशेस और इसको अलग से रख देंगे बिकॉज ये सारे जाएंगे वॉश होने के लिए, ठीक है ना। तो इसको डाल देंगे सबको अंदर, इतने सारे ब्रशेस हैं लेकिन सारे ख़राब हो गए हैं एक ब्लश की वजह से। तो खैर इसको भी हम जल्द से जल्द काम कर लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है ना हमें। लाइट को ये लेकिन टूट गया है, ये सारे ब्रश सारे मेकअप चीज़ें मुझे ए टू जेड सब कुछ लेनी है, बट मम्मा ने कहा अभी नहीं लो, अभी आगे टाइम आएगा, मतलब आगे मेकअप तो लेना ही है, सो बाद में ले लेना ठीक है, वाई नॉट। सो ये तो सारी अभी करती हूँ, बाकी मुझे सारा ब्रांडेड और अच्छा मेकअप लेना है, ये तो बस पुराना पुराना ऐसा वैसे वैसे अलग अलग तरीके से ले लिया था तो बस वही चल रहा है, बिकॉज आपकी बहन को मेकअप में ज़्यादा वो नहीं है, वो जो होती है इसीलिए आपकी बहन ने मेकअप ज़्यादा मेकअप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, सो बस इसीलिए। बाकी अब जल्दी हम ये काम कर लेते हैं, अब कोई भी हमारे पास ना कोई भी ब्रश रह ना जाए, ठीक है ना, मेक श्योर करेंगे कि कोई भी ब्रश हमारा रह ना जाए। और मुझे लगता है इनफ है, मे बी इनफ, नो बेबी नो। सो ये सारे इसके टूट चुके हैं, इसको भी मैं जोड़ूंगी, करो सबका ठिकाना करना है। लेकिन हमारे घर में ये जब भी मैं कोई भी खाना कोई भी चीज़ साफ करती हूँ ना तो वो दोबारा खराब कर दे। ग्रीन कलर, ये इसमें ग्रीन ग्रीन कलर का है, बड़ी लग रहा है इसे ग्रीन कलर। तो ये देखना सारे नेल्स पर जो मेहंदी लग जाती है ना, मेहंदी हट जाती है, पर ये हटने का नाम नहीं लेता, इसका ही मसला है वो जल्दी से हट जाता है। और बाकी सारे ये रखते हैं, और आप लोगों को कहीं नज़र आ रहा है, मुझे अब और नज़र नहीं आ रहा। ब्रश 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 ब्रश, अब वो मेकअप भी मुझे दिख रहा है जो जो सदियों से गायब था। ठीक है जी, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
अच्छा ये सारा मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, इसको मैं करूंगी जाकर धोऊंगी पहले। सारी चीज़ों को लेके जाते हैं और इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं बिकॉज इट्स सो डर्टी। सो लेट्स गो। अच्छा सा बर्तन ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अच्छा सा बर्तन क्यों ढूंढना जब इसको साफ करना है, तो हम कोई भी पतीला वतीला ले लेते हैं। तो ये एक पतीला, एक पतीला मुझे दिख रहा है इसके अंदर ही, हम इसको सोक करके रख लेंगे फॉर 24 आवर्स, मतलब पूरे नाइट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना इसको अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, इसको भी धोना है, अंदर डाल दिया। अब इसको इसमें पानी भर लेंगे एंड देन इसके अंदर जो करना है बता दें, इसको हम ठीक से पानी में इस तरह कर लेंगे। हम ऐड कर देंगे सोप। ठीक है, अच्छे से सोप ऐड कर देंगे, सोप डाल दें इसको अच्छे से चार बना लेंगे। अब ये मैंने सारा सूख करने रख दिया है, अब इसको मैं रख दूंगी ओवरनाइट। ठीक है, अब जाते हैं अपना दूसरा खाना ठीक करते हैं, अपना व्लॉग एंड करते हैं। सबसे पहले मैं वाइप लूंगी, एक वाइप ले टिशू ले लूंगी और उसके बाद मेकअप साफ करूंगी बिकॉज ये बहुत घिसना पड़ रहा है और साफ नहीं हो रहा, तो दैट्स द रीजन। जल्दी से जाते हैं वाइप से इसको, हर मेकअप को एक एक करके साफ करते हैं गाइस। हम निकालते हैं वाइप, ठीक है, इससे साफ करेंगे हम अपनी एक एक चीज करेंगे। ये आपके घर में, तो अब हम साफ करेंगे साफ करेंगे साफ करेंगे। मेकअप मैंने जो है ना कर लिया है, अब बारी आती है इस चीज की उठाने की, सबको हम अब करते हैं टाटा बाय बाय। बहुत ले लिया आप लोगों ने वाइप पे जाए, इसको इससे साफ कर लेंगे। मैंने तकरीबन 3 वाइप जो है ना इस पर ज़ाया कर दिए, लेकिन किसी को बताना नहीं, इसको इससे साफ कर लेंगे। ये ब्लश ने ना पूरा सतिया नाश करती है, मैंने ली जितना मुझसे हो सकता था तो मैंने कर लिया। अब सारे मेकअप को यहाँ एज इट इज रख देते हैं बिकॉज फाइनली ये हो चुका है डन। तो ये सब मैंने इस तरह रख दिया, बाकी एक जगह स्पेस खाली है तो यहाँ पर भी कुछ डाल रख देंगे, बट अभी मेकअप नहीं, जब मेकअप लेंगे जब मेकअप रख देंगे। तो ये सभी सारा सब कुछ फेंकते हैं एंड देन इसको बंद करते हैं। अब एला की जो लिड है वो भी साफ कर लेते हैं।